मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल द नेशन नीड्स यू एंड हाय, दिस इज आरसी मिश्रा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, भुवनेश्वर, उड़ीसा. इन माई लास्ट क्लास एट डे नंबर 10, वी डिस्कस फ्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अगेन आई केम विद फ्यू मोर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड टुडे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट वर्ड पर्सन. सो यू मे फाइंड यू मे फाउंड लाइक एवरीवेयर पर्सन 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 पर्सन. इट्स अबाउट पर्सन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो आई हैव सिलेक्टेड फ्यू वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन, देयर क्वालिटी एंड देयर पोजिशन समटाइम ऑल्सो. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब नाउ सो दैट यू विल गेट रेगुलर वीडियो in this YouTube channel the nation needs you. I always try my best to help you people to mend or repair or to enhance your English speaking skill as well as writing, reading and other thing. So we just need a little bit confident to speak English spontaneously, otherwise there is no big rocket science working behind. Without wasting time, let's start the first word, immaturity. What is the word? Immaturity. Immaturity is like what? के एक आदमी एक मिशन पे है. जैसे इंडियन आर्मी, उन लोगों का मिशन होता है, तो कोई आदमी एक मिशन पे लग पड़ता है, ये करना है बोल के एक पर्टिकुलर फील्ड में लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? Immaturity. It means a person sent on a mission. ये जो चीज़ है, यहाँ पे पर्सन कौन हो सकता है? एक आर्मी ऑफिसर हो सकता है, एक गवर्नमेंट का भी डेलीगेट हो सकता है, गवर्नमेंट का भी कोई आदमी हो सकता है जो कि एक मिशन पे है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, द वर्ड इज मिशनरी. अच्छा, मिशनरी क्या है? ये भी मिशन पे निकल पड़े हैं, बट लेकिन किस चीज़ के? सेंट टू टीच. क्या करने के लिए? सिखाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए. क्या? क्रिश्चियन रिलीजन. क्या? क्रिश्चियन. क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार प्रसार के लिए जो लोग लग पड़ते हैं वो क्या है? वो लोग हैं मिशनरी, और वो एक मिशन में भी काम करते हैं. ओके, कमिंग टू द थर्ड वर्ब ऑफ द डे, वेरी कॉमन वर्ड, बैंकक्रॉप्ट. क्या है? बैंकक्रॉप्ट, और आप इसको इंसॉल्वेंट भी कह सकते हैं. बैंकक्रॉप्ट और इंसॉल्वेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी. क्या है? बहुत सारा पैसा ले लिए गवर्नमेंट से, बैंक से ले लिए लोन, लेकिन उसको टाइम में उसका जो इंटरेस्ट है, डेप्ट है, उसको नहीं दे पाए, तो वो क्या हो गए? दिवालिया हो गए. इसको बोला जाता है ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट. जैसे आपका ईएमआई है या जो भी पैसा है उसका इंटरेस्ट अगर नहीं चुका पाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? बैंकक्रॉप्ट. कोई कोई बोलता है आई वॉज कम्प्लीटली बैंकक्रॉप्ट लास्ट ईयर, मतलब पूरा जीरो बैलेंस. ओके, वन मोर, थेइस्ट. वट इज़ द वर्ड? थेइस्ट. इसके पहले अगर ए लगा देते हैं तो बन जाता है एथेइस्ट, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? थेइस्ट. थेइस्ट का मतलब है ए पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. जो मानता है भगवान है तो उसको हम कहते हैं थेइस्ट. ओके, नेक्स्ट वर्ड उसी से रिलेटेड मैं एक और लिया हूँ वर्ड, स्पिरिचुअलिस्ट. क्या है? स्पिरिचुअलिस्ट. जो आदमी स्पिरिचुअल थिंक के ऊपर, रिलीजियस थिंक के ऊपर, इस तरह का चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करता है, भरोसा करता है, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिस्ट. ए पर्सन हु बिलीव इन स्पिरिचुअल थिंग. एंड ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी ए गुड थिंग टू बिलीव ऑन स्पिरिचुअल थिंग. येस, इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस. ओके, नेक्स्ट वर्ड पेसिफिस्ट. अच्छा, पेसिफाई, पेसिफिस्ट. यहाँ पे वर्ड दिया है पेसिफिस्ट, एंड पेसिफिस्ट मीन्स वर्ड ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वॉर. मतलब बिल्कुल युद्ध ना हो. जो वॉर के खिलाफ है, युद्ध के खिलाफ जो होता है उसको हम लोग पेसिफिस्ट कहते हैं. जैसे अभी यूक्रेन रूसिया का जो चल रहा है, कोई भी पेसिफिस्ट नहीं है दोनों में से. थोड़ा ये आई मस्ट से दैट यूक्रेन का जो है प्रेसिडेंट वो थोड़ा पेसिफिस्ट लग रहे थे, बट वी डोंट नो व्हाट डिप्लोमेसी गोइंग ऑन, क्या खिचड़ी पक रहा है दोनों देश में. ओके, कमिंग टू द अनदर वर्ड इमिग्रांट. जब वॉर हुआ वहाँ पे यूक्रेन रूसिया में, तो
तो बहुत सारे क्या है शरणार्थी, वो क्या दूसरे कंट्री में चले आए सेटल होने के लिए, तो इसको कहेंगे इमिग्रांट, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर, दूसरे कंट्री से आया इन ऑर्डर टू सेटल देयर, वहाँ पे सेटल होकर रहने के लिए, वहाँ पे बच्चा करे, वहाँ पे नौकरी करे, वहाँ पे रोजगार करे, वहाँ पे रह जाए। और जो लोग जोर ज़बरदस्ती घुस आते हैं वो भी है, वो है हमारा इंडिया में भी बहुत सारा इलीगल इमिग्रांट, उसको क्या कहा जाता है इलीगल इमिग्रांट, जो कि मतलब वैलिड वे में नहीं आए हैं, लिसिट वे में नहीं आए हैं। ओके वन मोर, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या है, ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है उसको क्या बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ओके वन मोर वर्ड, एथेइस्ट, आई टॉक्ड ऑलरेडी। थेइस्ट क्या है, ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड। एथेइस्ट क्या है, ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान को नहीं मानता है और उसका प्रेजेंस को भी नहीं मानता, वो होता है एथेइस्ट। ओके यस देयर आर फ्यू एथेइस्ट आर ऑल्सो देयर। ओके वन मोर, इंट्रूडर, व्हाट इज द वर्ड इंट्रूडर, अगर कोई जोर जबरदस्ती घुस आता है इलीगली, ए पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन, जैसे कि शादी ब्याह में हमारे यहाँ पे कॉमन है कि इंट्रूडर बड़े होते हैं, जो क्या है बिना इन्विटेशन का भी चले आते हैं, इट इज फॉर मे बी फन और समथिंग, मे बी नीड, मे बी ऑफ दैट पुअरनेस एंड ऑल दिस थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट इट, सो दैट इज व्हाट इंट्रूडर। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टेररिस्ट, वी हैव नॉट गिवन देम व्हाट इन्विटेशन बट स्टिल दे आर कमिंग, सो दे आर व्हाट इंट्रूडर। सो इन दिस क्लास व्हाट वी लर्न एक्चुअली एवरीबडी, वी सी फ्यू वर्ड, मिशनरी, मिशन पे निकल पड़ा, मिशनरी क्रिश्चियन का प्रचार प्रसार करना रिलीजन का, बैंकक्रप्ट दिवालिया बन जाना, थेइस्ट भगवान के ऊपर भरोसा रखना, स्पिरिचुअलिस्ट भगवान को मानना, पेसिफिस्ट युद्ध में जो भरोसा नहीं रखता है, बिलीव नहीं रखता है, इमिग्रांट दूसरे कंट्री में आया सेटल होने के लिए, एलेक्जिकोग्राफर इट्स लाइक व्हाट डिक्शनरी जो लिखता है कंपाइल करता है, एथेइस्ट क्या है दोज हू डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एंड द लास्ट वर्ड वी लर्न इंट्रूडर, ए पर्सन हु कम्स विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्विटेशन। इन जस्ट 5 to 6 minutes वी लर्न 10 words, नाउ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस टू रिमेंबर दिस बाय मेकिंग वन सेंटेंस। Anyhow, thank you so much for watching today's video. I will see you with another lesson. Jai Hind.